नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है टॉप न्यूज। हमारी टीम की मेहनत अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर पास में मौजूद बेल के बटन को दबाएं। धन्यवाद। राजपूत छत्री समाज द्वारा बुधवार स्थित सामाजिक भवन परिसर में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर समाज के पदाधिकारी और सदस्यों ने फलदार और फूलदार पौधे का रोपण कर उसकी सुरक्षा करने की शपथ ली। समाज के अध्यक्ष ने बताया कि जैसे जैसे कोरबा औद्योगिकीकरण कर विकास की राह में है, वैसे वैसे ही वृक्षों की कटाई के कारण कोरबा में वन कम होते जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। कोरबा के पर्यावरण को स्वच्छ बनाने एवं शुद्ध वायु के लिए छत्री समाज के सदस्यों द्वारा 100 पौधे रोपण कर कोरबा वासियों को संदेश दिया। पर्यावरण बचाना है तो सभी व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी को छाया एवं शुद्ध वायु, शुद्ध पर्यावरण मिल सके। जैसा आप जानते हैं, वही पूरे विश्व में जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, कोरबा वैसे एक औद्योगिक नगरी है तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए हमने आज अपने समाज में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था। से हमारे समाज के सभी स्वजाति बंधुओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और पीछे अब देखिए इतने सारे वृक्षों का जो वृक्षारोपण हमने किया है। ऐसे कोई लक्ष्य तो लें तो आज का लक्ष्य हमने 100 पौधों का रखा था, जिसे हमने अभी रोपित कर दिया है और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री के अंदर है, उनके लिए पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है। और जो ट्री गार्ड आते हैं वो भी हम बुला रहे हैं ताकि जानवरों से जो वो रहता है वो भी जानवर उसको ख़राब ना कर ले या चर ना जाए। क्या नाम है? अवधेश सिंह, अध्यक्ष राजपूत छत्री समाज। किस तरीके का कार्यक्रम? वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया गया। क्या उद्देश्य, क्या किस उद्देश्य को लेकर वृक्षारोपण कराया गया? उद्देश्य यही है कि आज के समय में पेड़ों की कटाई भरपूर मात्रा में हो ही रही है, लोग बाग समझ के जानबूझ के भी पेड़ की कटाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते हमारा लक्ष्य यह है कि वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा गया है। नहीं, वो नारियल तो विधायक जी फोड़े। प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसका रोकथाम एकमात्र यही है कि वृक्षारोपण ही विकल्प है। देखा गया है कि वृक्षारोपण यहाँ पर हमारे जो हम वृक्षारोपण कराए हैं, बाकायदा एक आदमी रखे हैं, उसको सुबह और शाम पानी देगा। वैसे तो हमारे यहाँ पूरा बाउंड्री है, लेकिन अन्य जगहों पर जो वृक्षारोपण होता है उसकी सुनिश्चित व्यवस्था की जानी चाहिए।